हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप फोन अंडर 50,000 रुपीज बताऊंगा। और जितने भी फोन बता रहा हूँ दोस्तों, उसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कैमरा देखने को मिलेगी, जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी और जो बैटरी देखने को मिलेगी, कहने का मतलब दोस्तों सब कुछ उसमें आपको एकदम टॉप क्लास देखने को मिल जाएगा। और इन सारे फोन्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर परचेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन से टॉप 5 बेस्ट फोन है जो आज की इस लिस्ट में आते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे फोन आता है, तो अगर आप एक बेस्ट कैमरा फोन लेना चाहते हैं अंडर 50,000 रुपीज, तब आप इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। और ये फोन है वीवो की तरफ से, वीवो X70 Pro 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपको 6.56 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको MediaTek का Dimensity 1200 5G प्रोसेसर, फ्रंट टच OS 12 बेस्ड ऑन Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, LPDDR5 फ्रेम रिफ्रेश 3.1 का स्टोरेज, कोर्टेक्स A78 CPU, माली G77 MC9 GPU, 4450mAh की बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग और 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP सेल्फी कैमरा। और इसके रियर कैमरे में आपको IS देखने को मिलता है, जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे और फ्रंट कैमरे से भी आप 4K वीडियो 30fps पे शूट कर पाएंगे। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट आपको 46990 में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, इस फोन के तीसरे को जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कैमरा देखने को मिलता है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है और जो बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों, सब कुछ इसमें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। या दोस्तों, इसमें आपको जो कैमरा देखने को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है, जिसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हो। और इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अच्छे से अच्छे गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो चौथे नंबर पे फोन आता है, ये भी एक बेस्ट कैमरा फोन है और ये सैमसंग की तरफ से है। या दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपको एक सैमसंग का फोन चाहिए जिसमें आपको कैमरा अच्छा देखने को मिल जाए, डिस्प्ले अच्छी देखने को मिल जाए, बिग बैटरी देखने को मिल जाए, प्रोसेसर भी आपको अच्छा देखने को मिल जाए, तब आप इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। और ये फोन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डायनेमिक AMOLED 2X HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन, एक्जिनोस 2100 5G प्रोसेसर, 1UI4 एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉर्टेक्स A78 CPU, माली G78 MP 14 GPU, LPDDR5 फ्रेम रिफ्रेश 3.1 का स्टोरेज, 4500mAh की बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग और इसमें आपको 12MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 32MP सेल्फी देखने को मिल जाता है। और इसके रियर कैमरे में आपको OIS देखने को मिलता है, जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे, और फ्रंट कैमरे में आपको EIS देखने को मिल जाता है, जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे शूट कर पाएंगे। और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 54999 में देखने को मिल जाता है। या दोस्तों, ये फोन आपको 54999 में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको samsung.in से परचेस करेंगे तो वहां पे अभी इंस्टेंट आपको 5000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और लिमिट समय के लिए ऑफर रहेगा दोस्तों, तो इस फोन पे आपको 5000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको अंडर 50,000 रुपीज में देखने को मिल जाता है। और इस बजट में दोस्तों सबसे बेस्ट कैमरा फोन आपको यही देखने को मिलता है दोस्तों। इस फोन में आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, चाहे इसके डिस्प्ले की बात करें, चाहे कैमरे की बात करें, चाहे बैटरी की बात करें। हालांकि दोस्तों, इसमें आपको 25W का ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि और भी बेहतर हो सकता था। और इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, वो भी आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे फोन आता है, तो अगर आप एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं, तब आप इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। और ये फोन है OnePlus की तरफ से, OnePlus 9। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली फुल AMOLED HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 888 5G प्रोसेसर, ऑक्सीजन OS 12 बेस्ड ऑन Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियो 680 CPU, Adreno 660 GPU, LPDDR5 फ्रेम रिफ्रेश 3.1 का स्टोरेज, 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में आपको 65W का फास्ट चार्जिंग, 48MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16MP सेल्फी। और इसके रियर कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है, जिससे आप 8K वीडियो 30fps पे, फ्रंट कैमरे में भी आपको EIS देखने को मिल जाता है और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। प्राइस की बात करते हैं, आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 4999 में देखने को मिल जाता है। और बात करें दोस्तों, इस फोन
में आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों डिस्प्ले से लेके कैमरा, प्रोसेसर सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके कैमरे में आपको OIS देखने को नहीं मिलता है, और जो फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है वो भी आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल दोस्तों फोन बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर फोन आता है। तो अगर आप एक बेस्ट गेमिंग फोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको गेमिंग के लिए बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाए, बहुत ही बढ़िया गेमिंग फोन हो जिसमें प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाए, तब आप इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। अरे फोन है Asus ROG फोन 5S 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस 144 Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED HDR 10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888+ 5G प्रोसेसर, कोरियो 680 CPU, एडिनो 660 GPU, LPDDR5 फ्रेम, FS3.1 का स्टोरेज, 6000 mAh की बिग बैटरी, 65W फास्ट चार्जिंग, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 24 मेगापिक्सल सेल्फी। और इसके रियर कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है जिससे आप 8K वीडियो 30fps पे, और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। इसमें आपको RGB लाइट पैनल देखने को मिल जाता है बैक में, और इसमें आपको गेमिंग ट्रिगर भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है आपको 49999 में देखने को मिल जाता है। और बात करें दोस्तों इस फोन की, इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 888+ 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है दोस्तों। उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको गेमिंग ट्रिगर भी देखने को मिल जाता है, और जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। कैमरा भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है जिससे आप 8K तक की वीडियो शूट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके कैमरे में आपको OIS देखने को नहीं मिलता है, जो कि दोस्तों 50,000 के अराउंड फोन देखने को मिलता है, OIS होना चाहिए था। ओवरऑल दोस्तों गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तब ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फोन आपको देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक पे फोन आता है, तो फोन बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चाहे इसके गेमिंग के लिए यूज कीजिए, चाहे कैमरे के लिए यूज कीजिए, किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज करेंगे दोस्तों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। सब कुछ इसमें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और ये फोन है एप्पल की तरफ से iPhone 12 mini। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 5.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर रेटिना HDR OLED HDR 10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें आपको सेरेमिक ग्लास ओलियोफोबिक कोटिंग का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको एप्पल A14 बायोनिक 5G चिप, iOS 15.3 ऑपरेटिंग सिस्टम, 2227 mAh की बैटरी, 20W फास्ट चार्जिंग, 12 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल सेल्फी। और इसके रियर कैमरे में आपको OIS देखने को मिलता है जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे, और फ्रंट कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे शूट कर पाएंगे। और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, इसमें आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको सिर्फ फेस अनलॉक देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो आपको 64GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है वो 46999 में देखने को मिल जाता है। और बात करें दोस्तों इस फोन की, इस फोन में आपको कैमरा बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन इसकी जो बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों आपको 2227 mAh की देखने को मिलती है, 20W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे बैटरी के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों फोन बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप फोन अंडर 50,000 rupees। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।